Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. अब इस एक बटर में मैं एक एक करके ब्रेड पुट करूँगी। ब्रेड आप सिंगल ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, तो फ्लिप करने में थोड़ा इजी रहेगा। और अब गैस ऑफ कर दूँगी और एक सॉस तैयार कर लूँगी। सॉस में मैं चिली गार्लिक सॉस, टमेटो सॉस और थोड़ा सा वाटर देके अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और इस सॉस को मैं ब्रेड के ऊपर पुट करूँगी। अनियन पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर, आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रोकली भी मैंने यूज़ किया है। और अब थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। आप इसको अगर चीज़ डालना है तो आप थक के बना सकते हो। मैं चीज़ नहीं डाल रही हूँ तो मैं इसको फ्लिप करूँगी और थोड़ा सा ग्रिल टाइप का बना लूँगी। फ्लिप करने के टाइम थोड़ा सावधानी से। और ये अब बन चुका है, तो इसको जब हम सर्व करने वाले हैं, प्लेट में निकालने वाले हैं, तभी भी थोड़ा सावधानी से हम इसे फ्लिप कर देंगे तो बहुत आसानी से निकल आता है। और कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और बच्चे बहुत शौक से खाते भी हैं, तो ज़रूर बनाइए। और यहाँ क्या चल रहा है? नो कलरफुल पेपर, ओनली वाइट पेपर। इट्स सरप्राइज। दिस इज सरप्राइज। गुड गुड गुड। Okay. And let's take this out. No, it's surprise. Don't show this. Hey guys, welcome to my channel IP Simple Family in Abroad. Hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और friends, ये जो ये वाला smile है, आज मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है। दाल में अच्छा सा उबाल आ चुका है, इसमें कोरिएंडर लीफ डाल देंगे और एक अच्छा सा तड़का लगा देंगे। और साथ ही में अभी मैं लहसुन फिंगर फ्राई करने वाली हूँ, भिंडी। बस सिंपल फ्राई है। और ये एक्चुअली हस्बैंड के लंच की तैयारी है, मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ क्योंकि वो लंच बॉक्स ले जाते हैं। दाल दे दिया, थोड़ा सा भिंडी भी दे देंगी और उनका फ्रूट बॉक्स भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें ब्लैक सॉल्ट एक छोटा सा डिब्बे में मैंने दे दिया है। और फ्रेंड्स, आज मेरा वैक्सीन है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ आपको। बोलने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो रेडी होने लग गई हूँ क्योंकि हस्बैंड बोला करेक्ट मैं 3:30 को आ जाऊँगा, तब तक रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो चलो, अभी 2:30 हुआ है, हम रेडी हो गए हैं। अब मैं थोड़ा बच्चों को खाना खिलाऊंगी। मेरा तो खाना बना नहीं जा रहा है, डर से मैं बच्चों के लिए खाना ले लिया है। और अपने लिए फिर से मैं थोड़ा सा तुलसी का टी ले लिया है, थोड़ा सा पीऊंगी मैं। और बच्चों के लिए राइस, और ये मैंने थोड़ा सा मोट कुछ बनाया था, बनाने का भी मुझमें वो नहीं था, ताकत नहीं था। मेरे लिए प्रे कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोच के। ये मेरे बच्चे देखिए, बच्चे भी रेडी है, बच्चे भी प्रे कर रहे हैं मामा के लिए। मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मेरे माँ ने बहुत हौसला दिया है कि डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने भी ले लिया है वैक्सीन, तो डरो नहीं, एकदम नहीं डरो। तो मैं वही थोड़ा खुद को साहस दे रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, आई कैन डू इट। मैंने थोड़ा सा बना लिया है। वाह, ये मोट है, ये राजमा नहीं है, ये मूंग नहीं है, ये मूंग का छोटा भाई है, इसको मोट बोलते हैं। विदाउट शेप मैंने ये एग बनाया है, ऑमलेट बनाया है विदाउट शेप। मेरा एक्चुअली फर्स्ट डोज जो है वो अप्रैल में ही था, मेरा अप्रैल 16 को था। लेकिन मैं अप्रैल 17 को मुझे माँ घर जाना था असम, तो मैंने नहीं लिया अपना वैक्सीन। उस दिन तो मैं बहुत खुश थी कि मैं बच गई बोल के, लेकिन मुझे वो आज लेना पड़ रहा है। काश मैं उसी दिन लेके ख़त्म करती तो बहुत अच्छा होता है ना बच्चों। आई एम सो स्कैर्ड, व्हाट टू डू नाउ? व्हाट? हाँ, व्हाट?
You are with me? Thank you, बेटा. तुम ही लोगों का मेरा सहारा है और भगवान का सहारा है. हाँ, बच्चों को तो खाना खिला लिया है, अब बस थोड़ा ही टाइम है बाकी. मैंने अपना अमृता दी ले लिया है, अमृता दी साथ में पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट भी ले लिया है, तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ जाने के लिए. बस हस्बैंड का अब इंतज़ार चल रहा है, हस्बैंड आ जाए और हम लोग जंग जीतने के लिए चले जाए. हाँ, एक जंग ही है, वैक्सीन लेना इज ए जंग, इंजेक्शन लेना इज इटसेल्फ अ जंग. और ज़रूर जीत के ही आएंगे. ये देखिए, ये मेरा न्यू पर्स है. थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं. ये एक्चुअली मैंने ये खरीदा नहीं है, पैसे से नहीं खरीदा है. बच्चों के लिए कपड़ा लेने गए थे, तो उसमें क्या था, बच्चों का अगर कपड़ा खरीदा हाफ प्राइस मिलता है, ऐसा कुछ था. लेकिन सिलेक्टेड कुछ आइटम ही मैं खरीद सकती हूँ उससे. हाफ पे बैक था, और उसमें से बस कुछ सिलेक्टेड चीज़ मैं ले सकती हूँ. जैसे कि लेडीज पर्स था, सलवार कुर्ता था, तो मैंने देखा सलवार कुर्ते का बहुत ज़्यादा प्राइस था, उस हाफ प्राइस में नहीं आ रहा था, तो हाफ प्राइस में मुझे ये ब्यूटीफुल सा पर्स मिल गया. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ भी एक चेन है, कितना खूबसूरत सा ये चेन है देखिए, और बहुत एकदम फ्री फ्लो है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और इस साइड भी एक है, तो मैं मोबाइल वगैरह भी बहुत आसानी से कैरी कर सकती हूँ. तो आज पहली बार मैं इस बैग को, इस पर्स को लेके जा रही हूँ. और घर वगैरह गंदा ही है, साफ है, मतलब गंदा भी नहीं बोल सकते, साफ है. मेरी जो हाउस हेल्प आई थी, उन्होंने थोड़ा कपड़ा वगैरह फोल्ड करके गए हैं. मुझ में तो आज कुछ भी ताकत नहीं था, मैं तो एकदम आज इतना मुझे डर लग रहा है. आप लोग भी बोलेंगे कि मैं इतना डरपोक हूँ क्या. डरपोक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इंजेक्शन से डरती हूँ, क्योंकि मुझे रिएक्शन हो सकता है, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे डर लगता है इसलिए. लेकिन बी पॉजिटिव, मीन्स नॉट बी कोविड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पॉजिटिव. सो आई एम बी पॉजिटिव एंड I will win the race. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. ये देखिए डेच, पूरे यूएई में आपको ऐसे लदे लदे डेच दिखाई देंगे. बच्चे पार्क में सो भी गए थे और हम लोग पहुँच गए हैं मकान के अंदर. मेरा बीपी चेक हो चुका है, नॉर्मली है, बस अब वैक्सीन के लिए रुकी है और भगवान का नाम ले रही हूँ. तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा हो गया है, वैक्सीन हो गया है, 10 मिनट हो गया है. 10 मिनट रुकने को बोला था उधर, तो मैं 10 मिनट रुकी और बच्चे लोग बाहर रुके हुए थे, बच्चे और हस्बैंड बाहर रुके थे. मैं आ गई. बच्चों कैसे लग रहे हैं? गुड. हम जंग जीत के आ रहे हैं. काय की जंग? तो दो दिन के बाद पता चलेगा. आ गई हूँ, जितना दर्द था सब उधर ही छोड़ के अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे. हाँ बेटा. और मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब इंजेक्शन मतलब लिया और कब उन्होंने वैक्सीन कर भी दिया, पता भी नहीं चला. और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एकदम हैप्पी हूँ. लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन भगवान ना करे मुझे 2 दिन बाद भी पता चले. तो चलिए फिर आज का वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ. अच्छे से आ गई मैं, कुछ एलर्जी रिएक्शन मुझे कुछ नहीं, मुझे बस उसी का डर था रिएक्शन का, क्योंकि लगातार सारी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसी का डर था. इंजेक्शन का जो पेन होता है मुझे उसका तो कोई डर नहीं था,
लेकिन वो पेन भी मुझे नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला दवाई कब गया। मैं चलिए आज का वीडियो अब यही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अच्छे से एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय। चलो बच्चों बाय बाय बोलो, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।